पूरी दुनिया में विख्यात है। तो वहीं बीकानेर की एक और ऐसी चीज है जिसकी डिमांड पूरे देश में है, वो है बीकानेर में बनने वाली फुलझड़ी की। दिवाली के दौरान यहाँ की फुलझड़ियों की मांग बढ़ जाती है और इसी को पूरा करने के लिए फुलझड़ी बनाने वाले कारखानों में कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बीकानेर अपनी हवेलियों, मिठाइयों और भुजिया के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की फुलझड़ी भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। बीकानेर में बनने वाली फुलझड़ियों की मांग प्रदेश के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, यूपी सहित देश के अन्य राज्यों में है। आलम यह है कि मांग को पूरा करने के लिए इन दिनों फुलझड़ी बनाने वाले कारखानों में दिन रात कारीगर काम में जुटे हुए हैं। प्रदेश से, बीकानेर शहर से और भारतवर्ष के विभिन्न कोनों से हमारे पास उम्मीद के साथ ऑर्डर आ रहे हैं और हमने भी अपनी फुलझड़ी का पूरा स्टॉक तैयार रखा है कि जैसे ही डिमांड आती है हम उसको सप्लाई कर सके। वहीं बाजार में पटाखों की दुकान सज चुकी है। दुकानदारों का कहना है कि बीकानेर में बनी फुलझड़ियों की क्वालिटी बाहर से आने वाली फुलझड़ियों से बेहतर है और इनकी मांग बनी हुई है। इस बार ज्यादा क्रेज फुलझड़ी का है यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक तो रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं होता, कोई हाथ पाँव जलने का रिस्क नहीं है। दूसरा, इस बार काफ़ी तरह की फुलझड़ियाँ निकली है यहाँ पे, जैसे क्रैकलिंग में निकली है, अपने नॉर्मल फुलझड़ी होती है रेड एंड ग्रीन कलर में, अलग अलग कलर्स में निकली है काफ़ी। इस बार फुलझड़ी का रुझान ज़्यादा देखने को मिल रहा है बच्चों के प्रति। बीकानेर में एक नंबर क्वालिटी का प्रोडक्शन होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है और मतलब एकदम गारंटी वाली चीज़ मिलती है। कोई उसमें कोई ये नहीं होता कि किसी प्रकार का भी कोई अपने कहते हैं ना कि जैसे कोई खराब चीज़ हो, वो चीज़ नहीं होती। पटाखों के बिना तो शायद ही किसी ने दीपावली मनाई हो। देश भर में जब भी पटाखों की बात होती है तो सबसे पहले लोगों के जहन में शिवकाशी का नाम आता था, लेकिन दुनिया भर में अपनी हवेलियों और भुजिया के लिए प्रसिद्ध बीकानेर की फुलझड़ी भी अपनी अलग पहचान बना रही है। न्यूज 18 के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।